आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और एक बेहद ही अच्छी खबर के साथ आपके लिए हाजिर हूं मैं राहुल तिवारी। नया साल यानी कि अप्रैल का महीना। नया साल कैसे? नया साल यूं कि जो लोग वित्तीय पचड़ों में फंसे रहते हैं उनके लिए अप्रैल का महीना नए साल के रूप में ही होता है। वित्तीय पचड़े मतलब आर्थिक रूप से तमाम सारे बदलाव जो होना है, वाणिज्यिक रूप से तमाम सारे बदलाव जो होना है वो वित्तीय वर्ष के लगने के साथ ही शुरू होते हैं और वित्तीय वर्ष की शुरुआत होगी 1 अप्रैल 2019 से। जब वित्तीय वर्ष की शुरुआत होगी तो तमाम सारी वित्तीय व्यवस्थाओं में बदलाव भी होगा। ये बदलाव चाहे टैक्सेशन में हो सकता है, चाहे और दूसरे नियम कायदों में हो सकता है, चाहे सरकार की दूसरी नीतियों में हो सकता है और ये तमाम सारे बदलाव 1 अप्रैल 2019 से लागू हो जाएंगे। ऐसे में आपकी जिंदगी पर भी इन बदलावों में से कुछ बदलावों का असर पड़ने वाला है। ये बदलाव कौन कौन से हो सकते हैं और इनका क्या असर पड़ेगा, आइए दिखाते हैं आपको हमारी इस खास पेशकश में। सस्ता घर का सपना। जी हाँ, यदि आप सस्ता घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो आने वाला वित्तीय वर्ष आपके लिए ऐसे ही खुशखबरी लेकर आ रहा है। यानी कि 1 अप्रैल के बाद यदि आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं या घर खरीदने वाले हैं तो आपको काफी हद तक जीएसटी की दरों में लाभ मिल सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर में जीएसटी की नई दरें 1 अप्रैल के बाद लागू होने वाली है और इन दरों में जो निर्माणाधीन मकान है उन मकानों पर 18% से घटकर जीएसटी 5% तक रह जाएगी। वही जो सस्ते मकान है जो आम लोगों के लिए सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए होते हैं उन मकानों पर जीएसटी की दर 8% से घटकर 1% रह जाएगी। यानी काफी हद तक लोगों को इनकी दरों में लाभ मिलने वाला है और सच्चे घर का सपना जो आप हम और सभी लोग मिलकर देखते हैं वो सपना भी कहीं ना कहीं आपका पूरा हो सकता है। तो 1 अप्रैल के बाद सस्ते घरों की सौगात आम आदमी को मिलने वाली है। फायदा नंबर 2, बिजली बिल का रिचार्ज। अब आप सोच रहे होंगे कि बिजली का बिल तो हर महीने हमारे घर की चौखट पर दस्तक देता है, भला इसका रिचार्ज कैसे हो सकता है? लेकिन लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने इस प्रक्रिया को लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत यदि आप 30 दिनों तक अपने घर की बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो जितनी बिजली का इस्तेमाल आप कर रहे हैं केवल उतना ही बिल आपको देना होगा। यानी कि रिचार्ज की तरह पूरी व्यवस्था होगी, जितनी बिजली का इस्तेमाल हुआ उतने ही बिल का भुगतान करना है। ना आपके पास कोई नियत बिल आएगा, ना यूनिट के हिसाब से आपसे पैसे लिए जाएंगे और ना ही एक फिक्स बिल होगा कि साहब 300 रुपए तो आपको देना ही होगा, 400 रुपए तो आपको देना ही होगा। ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी। यदि आपने कोई बिजली इस्तेमाल नहीं की तो आपका कोई बिल नहीं आएगा और यदि आपने ज्यादा बिजली इस्तेमाल की है तो आपको ज्यादा रिचार्ज पे करना होगा। यानी कुल मिलाकर जिस तरह से मोबाइल बिल का रिचार्ज होता है उसी तरह से बिजली विभाग भी अपने बिजली की बिल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2019 से लागू कर सकता है। फायदा नंबर 3, लोन पर ब्याज की व्यवस्था। जी हाँ, यदि आप लोन धारक हैं या लोन लेने की इच्छा रखते हैं तो 1 अप्रैल 2019 से आपके लिए भी एक सुनहरा समय आने वाला है। कैसे? आरबीआई ने ये दरें निर्धारित की हैं कि अब यदि वह रेपो रेट में बदलाव करता है और ब्याज दरों को कम करने का निर्देश देता है तो बैंकों को तुरंत ब्याज दरें कम करनी होंगी। ये ब्याज दरें होम लोन पर और ऑटो लोन पर दोनों पर ही समान रूप से लागू होंगी। अभी तक ये होता था कि आरबीआई द्वारा पॉलिसी में बदलाव किए जाने के काफी दिनों बाद तक भी बैंक ब्याज दरों को कम नहीं करते थे, लेकिन 1 अप्रैल 2019 के बाद से बैंकों को आरबीआई के निर्देश पर तुरंत ही ब्याज दरें कम करनी होंगी। फायदा नंबर 4, संयुक्त पीएनआर की सुविधा। संयुक्त पीएनआर क्या है? रेलवे द्वारा प्रत्येक यात्री को एक विशेष नंबर आवंटित किया जाता है जब भी वह रेलवे में सफर करता है, जिसे हम पैसेंजर नेम रिकॉर्ड कहते हैं। अब संयुक्त पीएनआर होने से आपको फायदा यह होगा कि आप चाहे कितनी ही ट्रेनों में एक साथ सफर करें आपका वह नंबर यथावत रहेगा। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब आप हवाई यात्रा करते हैं तब आपके हवाई टिकट पर भी एक नंबर आपको आवंटित किया जाता है जिसे हम पीएनआर नंबर ही कहते हैं। वो नंबर जब आप कनेक्टिंग फ्लाइट इस्तेमाल करते हैं तब चाहे कितनी ही फ्लाइट्स को बदल लें लेकिन नंबर और टिकट यथावत रहता है। कुछ ऐसी ही सुविधा रेलवे भी अपनी व्यवस्थाओं को सरल करने के लिए करने जा रहा है। संयुक्त पीएनआर नंबर होने से रेलवे के सफर में चाहे आप कितनी ही ट्रेनों को बदलेंगे आपका वह नंबर यथावत रहेगा और इससे यात्रियों को उनका रिफंड मिलने में आसानी होगी। यानी कि यदि किसी कारण से वे उनकी ट्रेन को कैंसिल करते हैं या फिर ट्रेन की स्थिति में कोई बदलाव होता है या वह ट्रेन जो है निरस्त हो जाती है तो स्थिति में यात्रियों को उनका रिफंड आसानी से मिल सकेगा। फायदा नंबर 5,
ऑटोमेटिक पीएफ ट्रांसफर की सुविधा। जी हाँ, यदि आप नौकरी करते हैं या नौकरी करने वाले वर्ग से संबंधित हैं, तो आने वाले 1 अप्रैल 2019 के बाद से आपको अपनी नौकरी बदलने पर पीएफ अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए अलग से विभाग को रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं होगी। अब जैसे ही आप अपनी नौकरी बदलेंगे, आपको पीएफ विभाग द्वारा जो अलग से यूनिक नंबर दिया गया है, उसके आधार पर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आपका पीएफ अमाउंट सीधे तौर पर ट्रांसफर हो जाएगा। और इस सुविधा के मिलने के बाद आमतौर पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी सी आसानी भी हो गया। अभी होता यह था कि जब आप नौकरी बदलते थे तो आपको विभाग को अलग से रिक्वेस्ट भेजना पड़ती थी, जिसके बाद विभाग आपका अमाउंट दूसरे खाते में ट्रांसफर करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो ये थे कुछ बदलाव जो आने वाले 1 अप्रैल 2019 के बाद से आपकी वाणिज्यिक जिंदगी में लागू होने वाले हैं। और जिस तरह बदलाव परिवर्तन दुनिया का नियम है, निश्चित तौर पर लगातार हर अलग अलग व्यवस्थाओं में भी इस तरह के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, और ये बदलाव कभी कभी हमारे लिए फायदेमंद भी साबित होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी के लिए ये पांचों बदलाव कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा जरूर करेंगे। और इसी तरह की खबरों के लिए आप टैलेंटेड इंडिया को देखते भी रहेंगे। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आपके यदि कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में हम तक पहुंचाएं, और साथ ही साथ यदि ये खबर आपको अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि किसी और को इस खबर की जरूरत है, तो उनसे इस खबर को साझा जरूर करें। देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया।